तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक जीके का ये वीडियो होगा, जिसमें कि आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आने वाले एग्जाम में जैसे CHSL, बिहार SSC का CGL 3, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, रेलवे ग्रुप डी के लिए, NTPC CBT 2 जिनका बचा हुआ एग्जाम है, इन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, ये कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगर हम लोग बात करें विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो अमेजोनिया वर्षावन में। अमेजोनिया वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। अमेजोनिया वर्षावन की अगर हम लोग बात करें, ये ब्राज़ील के अंदर है। अमेजोनिया वर्षावन कहाँ पर है? ब्राज़ील में। अमेजोनिया वर्षावन को ही पृथ्वी का फेफड़ा के भी नाम से जानते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजोनिया वर्षावन को। भारत में जैव विविधता कितना परसेंट है? 8%। भारत में जैव विविधता कितना परसेंट है? 8%। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, इसी को भू दिवस भी कहते हैं। 22 अप्रैल को भू दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को वैसे बिहार दिवस भी मनाया जाता है, और 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार जनता कर्फ्यू देश में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज होंगे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी के। और इस जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बनेंगे, और इनका नाम है एल्वो एल्बनीज, प्यार से हम लोग इनको एल्वो बुलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमियों का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। इसी ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी। ग्रेट वेरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ग्रेट वेरियर रीफ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा, इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की अगर करेंसी की बात करें, करेंसी यानी मुद्रा, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट जियो ने माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट पर। किसके द्वारा? नेट जियो के द्वारा। ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। किसके द्वारा ये सेट किया गया है? नेट जियो के द्वारा। हम लोग बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट ये किस देश में है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में, और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेपाल जो नेपाल में ये सागरमाथा है, कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितना? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला मैन व्यक्ति 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले 1953 में फतह किया था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा। अगर सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह किसने किया है? कुमारी रीता शेरपा ने। कितना बार? 26 बार। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह किसने किया है? रीता शेरपा ने, 26 बार। प्रथम भारतीय जिसने कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया, वो भी महिला में है, बिछेंद्री पाल। ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, उनका नाम है बिछेंद्री पाल। और अगर वहीं पर दिव्यांग की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा, प्रथम महिला दिव्यांग जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया, अरुणिमा सिन्हा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली जी फाइव साहेल गठबंधन से हटा। जी फाइव में 5 देशों का समूह था जिसमें से साहेल हट गया। ये साहेल दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है, इससे साहेल हट गया जी फाइव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे पेरारिवलन की रिहाई के दिए आदेश। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे पेरारिवलन की रिहाई के दिए आदेश। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में तमिलनाडु के चुनावी रैली में कर दिया था, जिससे तभी से इनको सजा हो चुकी थी और इसको हाल ही में क्या किया गया है, इनको सजा को माफ़ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी प्रोफेसर नीलोफर खान। कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी प्रोफेसर नीलोफर खान कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कितने जिला हैं? जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? 22। परिसीमन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीट निर्धारित किया। परिसीमन आयोग के द्वारा कितने विधानसभा सीट निर्धारित किया है? 90। वहीं पर बात करें जम्मू कश्मीर में कि विशेष राज्य को दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 का, जो कि समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को 2 भाग में विभाजित करके 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है, एक तो जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। इस तरह से वर्तमान में कितने केंद्रशासित प्रदेश है? 8। ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश? 8। और स्टेट कितने हैं, यानी राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 केंद्रशासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की रखी गई आधारशिला। अगर हम लोग बात करें खेल प्राधिकरण साई, इसका गठन 1984 ईस्वी में है। खेल प्राधिकरण साई का गठन किस वर्ष से किया गया? 1984 से। राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र प्रशिक्षण, ये 24वां संस्करण कहाँ पर आयोजित की जा रही है? कुचबिहार कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगर वहीं पर बात करें राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2022 में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी विश्व कप 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया में। विजेता है भारत, उपविजेता है फ्रांस, और जो विजेता है अभिषेक वर्मा, रजत चौहान, अमन सैनी, ये तीनों के संयुक्त तत्वाधान के तहत इनको भारत को स्वर्ण पदक मिला है और भारत को जीत हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरओ सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में नेचुफू सुरंग में विस्फोट को अंतिम रूप देकर सफलता हासिल की। बीआरओ का क्या काम है? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लग रहे हैं उन सभी सीमा के किनारे सड़क का निर्माण करना, ये बीआरओ का काम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक सड़क का निर्माण करना। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर स्थापना की बात करें तो 7 मई 1960 को बीआरओ का स्थापना, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को। इसके महानिदेशक कौन है? बीआरओ के महानिदेशक जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से है। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ ज़रूरी बात आप लोगों को बताते हैं, वैसे इसमें पूरा लिखा हुआ है, फिर भी समझाते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772, और आज ही 22 मई है, तो ध्यान रखेंगे आज के ही दिन राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। मृत्यु 27 सितंबर 1833 को स्टेपल्टन
ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। पिता का नाम राधाकांत, माता तारिणी देवी। इम्पोर्टेंट सब जो है हम उसमें आप लोग को पढ़ के बताते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। आत्मीय सभा सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में। हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से, डेविड हेयर ने इसमें सहायता किया था, कब 1817 में। कोलकाता यूनिवर्सिटी कमेटी की स्थापना 1821 में, ये इम्पोर्टेंट इसको ध्यान रखेंगे। वेदांत कॉलेज ऑफ कलकत्ता, वेदांत कॉलेज कोलकाता की स्थापना 1825 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, कब 1828 में। प्रारंभ में यह ब्रह्म सभा थी, बाद में ये जाके ब्रह्म समाज बना। सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध के साथ साथ में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया 1829 में। इसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। मूर्ति पूजा अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद ईश्वर की एकता पर बल दिया। कुरीतियाँ, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा पर इन्होंने घोर विरोध किया था। अंतरजातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। वहीं पर बात करें राजा राम मोहन राय की उपाधि, तो उपाधि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसको ध्यान रखिएगा, 1831 में अकबर द्वितीय ने, जिसमें भारत में शासन कर रहे थे अकबर ने, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि, और इसी राजा राम मोहन राय को युग दूत के नाम से भी जानते हैं, युग दूत। और ये नीचे कुछ इन्होंने सभा के गठन किया था, वेदांत गाथा 1815 में, वेदांत सार, सिंक्षिप्तीकरण, ये सबको भी देख लेना एक बार। हिंदू धर्म रक्षा 1820 में। इस तरह से इस वीडियो में आज इतना ही क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम फिर से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे, इससे बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। हमको बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों को क्या चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, इसमें से जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप दूसरे दोस्त को भी शेयर करें, ताकि उनका भी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। तब तक के लिए धन्यवाद।